वडोदरा के शिव भक्तों द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल वैसे हिमाचल प्रदेश में आए हुए उत्तराखंड के केदार धाम पर अनोखा श्रृंगार किया गया। वडोदरा के शिव भक्त यानी कि शिव जी की सवारी के शिव भक्तों द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल वैसे उत्तराखंड में आए हुए केदारनाथ धाम पर अंकुट महा उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ वडोदरा के शिव भक्तों द्वारा कोलकाता से रंग बिरंगी फूलों को लाने के बाद कई कठिनाइयों का सामना करते हुए केदारनाथ धाम को सजाया गया था। रंग बिरंगी फूलों से हर हर महादेव प्रकृति दर्शाने के भागरूप केदारधाम मंदिर को सजाते हुए अनोखा अंकुट महोत्सव को मनाने के भागरूप तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के स्थानिक लोग भारी तादाद में ये पर्व का लाभ लेने वाले है, जहाँ महादेव को शिवलिंग को चावल से लिपते हुए भोग लगाया जाएगा, जो ये उत्सव साल में सिर्फ एक ही बार मनाया जाता है, जिसके भागरूप केदारनाथ पहुंचे वैसे वडोदरा के स्वेजल व्यास ने इसकी अधिक जानकारी दी थी। वडोदरा थी शिवजी की यात्रा ना माध्यम थी कोलकाता थी फूल मंगाई ने आज केदारनाथ बाबा ना महादेव नु मंदिर आज अमे लोग शंगार्यू छे। ये अमारू सपनू हतु, अमे मिशन नाम आप्युं हतुं हर हर महादेव मिशन, ते अंतर्गत आज अमे केदारनाथ महादेव मंदिर नी उपर फूलो थी हर हर महादेव शंगार्यू छे। साथे घनी बधी मुसीबतों नो सामनो करवो पड़े छे, अमारा माड़ियों नी पण तबियत खराब थई गई थी, वरसाद ठंडी हवा पवन घनी बधी मुसीबत, अने कहेवाय छे ने के आवती वखते हजारों पहाड़ों पण तूटेला जोया छे अमे लोको। तो आ बधी मुसीबतों नो सामनो करीने वडोदराना शिव भक्तो द्वारा जे मे फूल अर्पण कर्या छे ए लोकोना दानथी हुं तो एक निमित्त व्यक्ति छुं। मैं तो फक्त महादेवनी आदेश ने कृपानु अनुसरण कर्युं छे अने महादेवने मंदिरनो श्रृंगार कर्यो छे। हजू पण दिवाळीना दिवसे पण अमे लोको मंदिरनो श्रृंगार करवाना छे, साथे सप्टेम्बर ऑक्टोबरमां पण मोटी संख्यामां शिव भक्तोनुं जेमनुं सपनुं छे केदारनाथ आवानुं ए सपनुं पूरुं करवाना छे। शिव भक्तोने ट्रेनमां लावाना छे, अहींया रहेवा पीवानी बधी ज व्यवस्था साथे, बस बधी व्यवस्था साथे अमे सुंदर आयोजन करीए छीए।